गांव के बाहर बच्चों एक घना जंगल था। झुंड बनाकर उस जंगल में कुसियार रहते थे। एक गांव के बाहर बच्चों एक घना जंगल था। झुंड बनाकर उस जंगल में कुसियार रहते थे। कुछ छोटे थे, कुछ मोटे थे, कुछ थे बड़े चिबिल्ले। कुछ छोटे थे, कुछ मोटे थे, कुछ थे बड़े चिबिल्ले। थमा चौकड़ी दिन भर करते, रात हुआ हुआ करते। एक रात की बात है बच्चों, एक रात की बात है बच्चों, एक सियार के हाथ लग गए एक बिजू के कपड़े। पहन के देखा उस सियार ने ठीक आ गए कपड़े। खुश होकर वो पहुंचा जब घर, बच्चों ने भी देखे। बच्चों ने फिर जिद मचाई, हमको भी ला कर दो कपड़े, हमको भी ला कर दो कपड़े। हम बच्चों की सियार ले आया उनके कपड़े। जिद देख कर उन बच्चों की सियार ले आया उनके कपड़े। खुश हो गए सियार के बच्चे, दोनों ने फिर पहने कपड़े। दोनों ने फिर पहने कपड़े। घूम घूम कर फिर बच्चों ने हर एक को दिखलाए कपड़े, हर एक को दिखलाए कपड़े, दोनों ने दिखलाए कपड़े। धीरे धीरे बीते दिन, होने लगे फिर गंदे कपड़े। कुछ ही दिनों के भीतर बच्चों गंदे हो गए सबके कपड़े। कुछ ही दिनों के भीतर बच्चों गंदे हो गए सबके कपड़े। पर तीनों थे अगल से पैदल, पहने रहते गंदे कपड़े। पास में ना थे दूसरे कपड़े, साफ वो ना कर सकते कपड़े। पास में ना थे दूसरे कपड़े, साफ वो ना कर सकते कपड़े। कुछ ही दिनों के बाद में बच्चों शुरू हुई तीनों के खुजली। भूल गए वो कपड़ों का सुख, होती रहती हरदम खुजली। अरे खुजली, हाय हाय, खुजली खुजली, मर गए मर गए, खुजली खुजली, हाय हाय, खुजली खुजली। जानते हो बच्चों फिर क्या हुआ? खुजली से परेशान होकर सियार अपने बच्चों के साथ डॉक्टर भालू के पास पहुंचा। भालू भाई, भालू भाई, बात सुनो तुम भालू भाई। आदमी के कपड़े हमने पहने, रंग बिरंगे कपड़े पहने, शरीर में खुजली होती है।
भाई श्यार भाई, मूरख तुम हो श्यार भाई, आदमी के तुमने कपड़े पहने, रंग बिरंगे कपड़े पहने, पर कपड़े कितने गंदे हैं, आफत के ये पुलिंदे हैं, खुजली तुमको होगी ही जब कपड़े तुम्हारे गंदे हैं। भालो भाई, आप इस खुजली से बचने के लिए कोई दवा तो हमें दीजिए। इस खुजली से बचने का बस एक ही उपाय है। कौन सा उपाय भालो भाई? तुम इन कपड़ों को उतार कर साफ कपड़े पहनो और अपने कपड़े रोज साफ किया करो। साफ कपड़े पहनोगे तो खुजली कभी नहीं होगी। पर भालो भाई, अब की बार मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगा? अरे अरे भैया, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम कपड़े पहनो? कपड़े तो आदमी पहनते हैं क्योंकि वे उसे साफ करना जानते हैं और सिलना भी। तुम इन कपड़ों को उतार दो और नदी में नहा लो, फिर तुम्हारी खुजली एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन भालू काका, आदमी कपड़े क्यों पहनता है? अरे बेटा, आदमी के शरीर पर हमारी तरह मोटी खाल तो है नहीं। वो कपड़े इसलिए पहनता है कि जाड़ों में उसे जाड़ा न लगे और गर्मी में उसे तेज धूप और गर्म हवा न लगे। अब तो वो सुंदर दिखने के लिए तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगा। भालू काका, बहुत से आदमी भी तो गंदे कपड़े पहनते होंगे, क्या उन्हें भी खुजली नहीं होती होगी? हाँ बेटा, होती है। जो आदमी गंदे कपड़े पहनते हैं उनके शरीर में खुजली तो होगी ही, इसीलिए तो आदमी कपड़ों को साफ करता रहता है। और हाँ, हम जानवर लोग तो वैसे ही सुंदर दिखते हैं। इसका मतलब आदमी रोज अपने कपड़े साफ करता होगा? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। आदमी रोज कपड़े बदलता है, उन्हें साफ करता है, तभी उसे कोई परेशानी नहीं होती। अब तुम लोग जाओ नदी में नहा लो, और अगर कपड़े पहनने हैं तो उन्हें साफ करके सुखा लो। इसके बाद सियार भी बच्चों सीधे पहुंचा नदी किनारे, कपड़े अपने और बच्चों के निकाले उसने नदी किनारे, कपड़े साफ किए फिर उसने और सुखाया धूप में उनको, खूब नहा कर तीनों ने फिर खुजली छोड़ी नदी किनारे। इसीलिए कहता हूँ बच्चों, कपड़े रखो हरदम साफ, कपड़ों को जब साफ रखोगे रोगों से भी बचे रहोगे, सुंदर भी तुम खूब दिखोगे, जीवन में तुम सुखी रहोगे। कपड़ों को जब साफ रखोगे जीवन में तुम सुखी रहोगे, कपड़ों को जब साफ रखोगे जीवन में तुम सुखी रहोगे।